हमारा ज्ञान जो है, हमारा हमारे ज्ञान को कौन ढक देता है? हमारा अज्ञान। हमारा अज्ञान जो है हमारे ज्ञान को ढक देता है। अब अज्ञान आता कहां से है? बहुत डीप बात है। हमारे अंदर अज्ञानता बढ़ती क्यों है? हम कई बार बोलते हैं, यार मेरे सामने ये चीज पड़ी थी तो भी मैं भूल गया और मेरी चीज खो गई। तो आपका अज्ञान क्या हुआ? आपने अपने ध्यान को भटका दिया। तो वो ध्यान भटक गया, तो आपका ध्यान भटक गया तो आपने वो चीज खो दी। आपने कई बार ट्रेनों में चीज खो दी, मैंने खुद भी खो दी। तो जब हमारा ध्यान कहीं और लग जाता है, हमारी सोच कहीं और चले जाता है, तो जो हम जो करने आते हैं वो भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारा अज्ञान बढ़ता है, हमारा फोकस अज्ञान के ऊपर बढ़ जाता है। हम ज्ञान से भटक के किसी और के और अंदर डीप में चले जाते हैं। हम लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं। बापूजी क्या बोलता है कि तुम्हारी ये जो टीवी है, इस टीवी के अंदर किसी को याद मत करो, क्योंकि जिस गीता में भी क्या बोला है, जिसको याद करोगे उसको पाओगे। पितृ को याद करोगे तो उसी के पास जाओगे, पितृ के पास जाओगे। देवताओं को याद करोगे तो देवताओं के पास जाओगे। राक्षसों को याद करोगे तो उसके पास जाओगे। तो भाई जहां जाना है उसको याद करो ना। बेहद के परम 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 पिता को याद करो, क्योंकि आए कहां से हो? वहां से आए हो। अब जाना कहां है? वहां जाना है। तो याद किसको कर रहे हो? कोई भी मनुष्य को याद ना करो, ना मुझे ना किसी को, क्योंकि उससे तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। आप अपने चाचा को याद करोगे या मामा को याद करोगे, क्या फायदा होगा? कुछ दे देगा आके आपको? कुछ भी नहीं देगा। तो आपको 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 प्राप्ति क्या चाहिए? आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। तो ज्ञान के बारे में सोचो, ज्ञान को अपने अंदर उतारो, उसको बार बार रिपीट करो। जो भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये कोई मैं मेरे अंदर रिकॉर्डिंग नहीं है कि मेरे आगे टीवी में आ रही हो, मैं बोल रहा हूँ, इसको मैंने अंदर धारण किया है। मैंने इसको 500 बार सुना है तो वो मेरे अंदर से बाहर आ रहा है। उसको मैं समझाऊ, मेरे पूरा फोकस उसके अंदर लगा है। तो आप भी अपना फोकस लगाओ, अपने अंदर से उस ज्ञान को जगाओ। आपके अंदर जो ज्ञान की अग्नि, उसको तेज करो। क्योंकि क्या होता है, धुआं होता है ना, वो ज्ञान को ढक देता है, वो अग्नि को ढक देता है। जब धुआं होता है तो आग दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि धुएं के अंदर ये शक्ति है कि वो किसी को भी, जैसे आईना, आईने अगर आईने के ऊपर धूल लगी है तो क्या होगा? आप अपना ही चेहरा नहीं देख पाएंगे। तो जो हमारा अज्ञान है वो हमारे ज्ञान को ढक देता है, हमारी आत्मा की शक्तियों को ढक देता है, हमारी अंदर की सोई हुई शक्तियों को ढक देता है। तो इसकी वजह से हम क्या होते हैं, हम अपने ही विचारों से दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो आईने को स्वच्छ करो, अपनी आत्मा को स्वच्छ करो, अपने अंदर ज्ञान को बार बार रिपीट करो। जैसे जिस प्रकार धूल दर्पण को ढक देती है, झिल्ली गर्भ को ढक देती है और धुआं अग्नि को, उसी प्रकार हम काम और मोह से अपनी बुद्धि को ढक देते हैं। हमारी बुद्धि में क्या आ जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चीज जब हमारे बुद्धि में आ जाती है ना, तो वो हमारी आत्मा को ढक देती है। हमारा रियल सेंस क्या है, हमारी आत्मा कैसी थी? बापू जी बोलते हैं ना कि तुम बेहद ही परम 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 आत्मा थी, तुम्हारे अंदर हजारों सूर्यों की शक्ति थी। हाँ, अभी तो 5 वोल्ट का बल्ब जितनी भी शक्ति नहीं है। उसका कारण कि हमने अपने ऊपर ये जो आवरण चढ़ा के रखा है, उसको हम बार 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 उसी आवरण को याद करते हैं, मोह को। इसलिए कृष्ण ने क्या बोला, अर्जुन मोह की भाषा मत बोल। और कृष्ण ने तो अर्जुन को इतने ना बोल दिया कि हो सकता है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए इस महाभारत में, लेकिन अगर तेरी मृत्यु हो जाएगी तो तू विशेष पद को प्राप्त करेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहां आए आपने ज्ञान सुना तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। अरे आप अनंत समय से बने हुए हो, आपकी आत्मा के ऊपर अनंत समय के कर्म लगे हुए हैं, उस कर्मों को आपको भोगना है और उससे बचने के लिए आपको बेहद के परम परम पिता को याद करना है, उस ज्ञान को याद करना है। और कर्म बचे आपके तो फिर से आपको जीवन और मृत्यु के चक्र में फिर आना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम आगे समझते हैं। जिस प्रकार सामान्य मनुष्य विषयों का चिंतन करता है और वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकता, जैसे शराबी शराब छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार मनुष्य उस दुर्गुण को नहीं छोड़ सकता जब तक वो उसको याद करना ना छोड़े। बहुत बढ़िया बात है।
जैसे शराब शराबी को बोले कि भी शराब छोड़ दे, वो नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या आता है, उसी का फोटो बार बार आता है। तो जब तक आप उसको याद करते रहोगे, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, आप कोई भी चीज को छोड़ना चाहते हो ना, तो पहले उसको बुद्धि से याद करना ही बंद कर दो। अगर आपने याद करना बंद कर दिया तो आपके माइंड से ऐसे चला जाएगा कि जैसे वो था ही नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में कोई एक्सीडेंट हुआ हो छोटा मोटा, तो कुछ समय तक हमें वो याद रहता है, लेकिन हम हर एक को आते जाते को बोलने लगे, यार मेरा एक्सीडेंट हो गया था आज से 10 साल पहले और मुझे बहुत चोट लगी थी, तो वो आपकी बुद्धि में हमेशा रहेगा। लेकिन आप उसको किसी को बोलना ही बंद कर दोगे, उसको याद ही नहीं करोगे कि भी कोई भी बुरी घटना जिंदगी में कभी किसी को बोलनी ही नहीं चाहिए और याद भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना भूलोगे उतना माइंड से चला जाएगा, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, और रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा तो आपके कर्म बंधन से भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको बार बार याद नहीं करना। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, यार मेरे को तो तंबाकू का बहुत बहुत हैबिट है, या मैं तो ये इस चीज को छोड़ नहीं सकता, या मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, या मैं ये नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता। उसको तुम ऊपर से कह रहे हो कि हाँ मेरे को तो तेरे बिना चलेगा ही नहीं। एक बार फेसबुक पे किसी ने लिखा था कि जो लोग ये बोलते थे कि मेरे बिना दुनिया चलने वाली नहीं है, उन लोगों से आज कब्रें भरी पड़ी है। हम सोचते हैं कि हमारे बिना दुनिया चलने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। आप हो गए कि नहीं हो गए, दुनिया तो इससे बढ़िया चले। मतलब आपकी आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस ज्ञान को आप भूल जाते हो। अगर आपने उस ज्ञान को अपने अंदर निखारा, बाहर निकाला, किसी को वो ज्ञान दिया, उसका दिया जलाया, तो वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। भूलेगा? अगर आपने स्कूल में कोई अच्छी बात सीख के आए हैं और आज भी आप अपने टीचर को याद कर रहे हैं उस बात के लिए, तो वो बंदा आपको पूरी, वो इंसान आपको पूरी जिंदगी तक याद रहेगा। जैसे मुझे भी याद कि हमारे सर ने स्टोरी सुनाई थी, उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला था। तो ये हर एक की घटना है कि कोई महान बंदा मिलता है और उसे अच्छी तरह कुछ सिखाता है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी अच्छी बातें किसी को शेयर करो, सिखाओ, बुरी बातें ना याद करो, क्योंकि जितना जिसको याद करोगे उतना वो सामने से आपके सामने आएगा। चलिए आगे। तो इसलिए क्या बोला कि मनुष्य को अगर मन को कंट्रोल करना है तो दो तलवारों से आपको उसके ऊपर, मन के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा। कौन सी? एक तो बोला ज्ञान की तलवार और दूसरी अभ्यास की। ज्ञान तो आप सुन रहे हो, लेकिन उसको बार बार अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन करो, बार बार उसको याद करो, उस अभ्यास को किया जाओ। जैसे एक बार कोई, सबसे पहले कोई भी इंसान जब साइकिल सीखता है तो क्या करता है, एक बार जाता है साइकिल लेके, थोड़ा सा चला, गिर गया, अगर उसने साइकिल ना उठाई तो क्या होगा, कभी साइकिल चला ही नहीं पाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से गिरने के बाद भी फिर से उठना पड़ेगा, उस साइकिल के ऊपर बैठना पड़ेगा और फिर से वही करना पड़ेगा। वो एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, 100 बार गिरेगा, लेकिन अगर वो करता रहा तो एक दिन वो साइकिल चला पाए। तो उसी प्रकार हम अपने मन के ऊपर इस ज्ञान की और उस अभ्यास की तलवार से प्रहार करते रहे तो मन एकदम लाइन पे आ जाएगा, सीधा दौर हो जाएगा। मतलब ये कि जो वासनाएं, जो जिस विषयों को आप बार बार याद कर रहे हो ना, उसको वो तलवार काट देगी। जब तुम्हारे अंदर ध्यान प्रकाशित हो जाएगा तो जो धुआं है वो खत्म हो जाएगा। जब आग लग जाती है तो धुआं ऊपर रह जाता है, नीचे नहीं होता। तो इसी तरह ज्ञान को प्रकाशित करते रहो अपने अंदर। इसलिए कृष्ण ने भी बोला ना कि परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर दो तो तुम परम पद को प्राप्त करोगे। तो हमारी जो आत्मा है उसको परम तत्व से प्रकाशित कर दो। पर कब होगी? जब वो ज्ञान आएगा तब। आज तक तो किसी को परम तत्व के बारे में नहीं पता था, तो कहां से अंदर वो प्रकाश आएगा, कहां से ये शक्तियां आएगी। चलिए आगे। मनुष्य विषयों के बारे में बार बार सोच के जो कर्म क्रिएट करता है वह कर्म के फल से बच नहीं सकता, और उस वो फल स्वरूप उस चीज का इतना आकर्षण बढ़ जाता है कि वह पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है और कर्म चक्र चलता रहता है, वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। तो बार बार जिसको सोचोगे, वो सोचा तो तुरंत कर्म बन गया, वो कर्म बन गया तो तुरंत ही अपना रिजल्ट आगे आएगा,
तो नेगेटिव सोचा, परचिंतन किया तो नेगेटिव फल सामने आएगा, तो उसको भोगोगे, फिर दुखी होगे, फिर अंदर रिकॉर्डिंग चलेगा और फिर उसको उसके बारे में सोचोगे। तो दुख को याद नहीं करना, सिंपल। दुख को याद किया, फिर नेगेटिव सोचा, फिर नेगेटिव कर्म, इसकी जगह आपको क्या करना है? बहुत बढ़िया बात। अगर आपके पास कोई दुखद घटना घटती है तो क्या करना है? आपको ये सोचना है कि मेरे कर्मों का हिसाब था, आया और खत्म, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। तो अकर्म वाली स्टेज पे पहुंच जाओ, कर्ता से अकर्ता बन जाओ, जो परमात्मा कराएगा वो हम करेंगे। जब इस सोच के साथ आप जीवन जिएंगे ना, तो आपकी जिंदगी में सुख के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। अच्छी सिचुएशन भी सुखी, दुख में भी आप सुखी। उसका कारण कि आप करता नहीं, आप अकड़ता है। आपको कराने वाला ऊपर वाला है, वो जो डायरेक्शन देगा उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, हमारी जिंदगी चल रही है, हम वही कर्म कर रहे हैं। तो दुख का एक काम, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई काम छोटा सा करते हैं और गलती से वो गलत हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो तुमने बोला था, इसलिए उसमें मेरा क्या कसूर? बोलते कि नहीं बोलते? हम बच्चे होते हैं तो बोलते हैं, वो तो मेरे पापा ने बोला था इसलिए मैंने कर दिया, उसमें मेरी क्या गलती, उन्होंने मुझे बोला था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसी स्टेज पे पहुंचना है, ऐसा नहीं कि बुरा करके आए बोले वो तो उन्होंने सिखाया था, ऐसा नहीं, पॉजिटिव चीज। क्योंकि देखिए, आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिविटी ही आगे बढ़ना, उससे ही आप आगे बढ़ सकते हो। कभी भी नेगेटिव लोग आगे बढ़ नहीं सकते, आज नहीं तो कल को उसका फल सामने आ ही जाएगा। तो आगे बता रहा हूं कि जो आकर्षण हमारे अंदर जो आता है, आकर्षण कोई भी चीज के लिए आकर्षण जब क्रिएट होता है तो आकर्षण से होता क्या, जब उस आकर्षण को बार बार हम जो याद करते हैं उसका आकर्षण होता है, उसका जो 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 क्रोध है, वो मोह है, वो कर्म चक्र को चलाता रहता है। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो फल आता है, तो नेगेटिव का क्या फल आएगा? नेगेटिव आएगा। इन चीजों को याद करोगे तो फल आएगा नेगेटिव आएगा, तो आपको फिर दुखी करेगा। तो इसका जो है, ये कर्म चक्र जो है वो चलता रहता है, तो इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब का एक ही उपाय है, परमात्मा के दिव्य स्वरूप को याद रखना, क्योंकि उनको याद करने से ही सर्व कर्मों का नाश होता है। सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस प्रकार शरीर इजाग्रस्त होता है तो डॉक्टर की याद आती है, उसी प्रकार जब मन व्याकुल होता है, दुखों से भयभीत हो जाता है, तब बेहद के परम 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 पिता की याद करनी चाहिए। जैसे किसी को भी चोट आए, किसी को भी बुखार आ जाए, तो हम क्या कहते हैं? चलो भाई डॉक्टर के पास जाके दवाई लो। ऐसा क्यों? हमें ये विश्वास है कि डॉक्टर के पास जाके दवाई लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तो ये हमारा विश्वास है। तो अगर हम डॉक्टर के पास ना जाके, कोई साइकिल रिपेयर करने वाला है उसके पास जाके हम कहे कि भैया इसकी दवाई दे दो, तो वो क्या देगा? वो तो कुछ नहीं देने वाला ना, वो तो बोलेगा जाओ डॉक्टर के पास। तो हम क्या करते हैं, अज्ञानता में ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं जो डॉक्टर नहीं है। किसी के सिर पे तो लिखा नहीं है कि मैं डॉक्टर, तो हम कर्म की वजह से वहां पहुंच जाते हैं। हम ऐसे ऐसे अपने ही सोचों के कारण हम ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं, उनका प्रभाव हमारे पे पड़ने लगता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, जो हमारी अंधश्रद्धा क्या, हमारी श्रद्धा यह है कि डॉक्टर के पास गए तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम साइकिल वाले के पास गए अंधश्रद्धा से तो हम ठीक नहीं होने वाले। तो हम क्या सोच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डॉक्टर कौन है और कौन नहीं है, तो वो सत्य से, उसके ज्ञान से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। अगर वही इंसान साइकिल रिपेयर करने वाला डॉक्टर की दुकान पे बैठ जाए और वाइट कपड़े पहन के बैठ जाए डॉक्टर के, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि उसने कपड़े वो पहने हुए हैं, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है। जब आप उसको पूछने लगोगे कि भाई मुझे हुआ क्या है, तो साइकिल रिपेयर करने वाला क्या बताएगा? कि भी आपका शरीर गर्म है इसलिए बुखार आ गया, कि वायरस हो गया इसलिए बुखार आ गया। डॉक्टर बोलेगा पहले आपकी रिपोर्ट निकालो, ब्लड रिपोर्ट लेके आओगे तो फिर वो काउंटिंग बताएगा कि भाई आपकी ये काउंटिंग कम है, आपको वायरल हो गया है। तो उसका ज्ञान तब बाहर आएगा,
तब आप उसको भेजोगे यार ये तो वाकई डॉक्टर है या ये वाकई साइकिल रिपेयर करने वाला है। तो बात यही है कि जब हम किसी को भी सुनते हैं तो हमें उस लेवल का पता चल जाता है कि ये कौन इंसान है और कौन से लेवल तक पहुंचा हुआ है। तो हमारी यहाँ बात थी कि जिस प्रकार हम जैसे बच्चे भयभीत हो जाते हैं तो जिस प्रकार बच्चा भयभीत हो जाता है तो अपनी माँ को याद करता है क्योंकि वो ये मानता है कि माँ ही मेरी सर्जन करने वाली है। वैसे ही जब आत्मा भयभीत हो जाती है तो वो परम पिता को याद करती है क्योंकि वो उसका रचयिता है। बहुत बढ़िया बात है। अगर बच्चा रो रहा है तो उसको अपनी माँ के पास ले जाओ तो चुप हो जाएगा। उसके मन के अंदर क्या आ जाएगा, उसका भय निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये उस समय में ये लगता है कि माँ ही मेरा सब कुछ है। तो ऐसी तरह जब आत्मा व्याकुल हो जाती है, जब ऐसे नेगेटिव विचारों के कारण जब आत्मा दुखी दुखी हो जाती है तो हमारे अंदर ही ये चक्र चलता रहता है, सुख और दुख का चक्र है जो हमारे अंदर चलता है। जब हम खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, तब तो हम भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही जैसे हमारे कर्म का फल सामने आने लगा और तुरंत ही व्याकुल होना चालू, मेरे साथ ही क्यों मैं, वाई, तो ये जो वाई है उसको हटाने के लिए परमात्मा को याद करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना कोई छुटका नहीं है, कोई चारा ही नहीं। परमात्मा का जो ज्ञान है यही हर कष्टों का मुक्त करने का एक ही रास्ता है और जो ज्ञान है वही दुख का उपचार है, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। योग मतलब मिलन, बेहद का योग तो आत्मा को अपने बेहद के परमात्मा से मिलन करवाता है, वही बेहद का योग है। जब हम ये योग करते हैं तभी आत्मा के अंदर शक्ति बाहर आती है, आत्मा के ऊपर से ये धूल और ये मिट्टी जो है वो हटने लग जाती है। देखिए जो सत्पुरुष है मतलब जो अच्छे व्यक्ति है वो अपनी अधिकारों की सीमा जो है उसका उल्लंघन नहीं करते। बहुत बढ़िया बात है कि हमारी एक सीमा है, हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे कहते हैं कि रबर को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी तरह हर इंसान की एक 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 लिमिट होती है, हर रिश्तों की एक लिमिट होती है। इस रिश्ते को इससे ज्यादा और लंबा नहीं खींच सकते, तो उस सीमा का किसी भी सत्पुरुष को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या बनते हैं कि चौधरी बन जाते हैं, लोगों के घर जाके उसको फालतू के एडवाइस देने लग जाते हैं, हालांकि बाद में आप ही गाली खाते हैं, लेकिन आपका जो स्वभाव है, आदत है कि बिन बोले सलाह देना, उसको बदलना चाहिए। क्योंकि वो क्या करता है, पर चिंतन करने से किसी को फालतू की एडवाइस देने से दुखी मिलता है, वो तुम्हें गालियां देने वाला। इसीलिए बोला ना कृष्ण ने, कौन जिएगा कौन मरेगा तुम्हारी समस्या नहीं है, वो उसका कर्म है, वो उसको करना ही करना है और उसको उसका सुख और दुख भोगना ही भोगना है। देखिए योग जो है वो कर्म का कौशल है, मोह का जो त्याग है वो कर्म का कौशल है, सफलता और असफलता दोनों में समान रहना ये कर्म का कौशल है। हमें कर्म का कौशल जानना चाहिए कि कौन से कर्म ऐसे हैं मतलब ऐसा हम सीख जाए कि सफलता मिले या असफलता मिले, लेकिन हम समान स्टेज में रहे, हम दुखी ना हो जाए, सुख में सुखी ना हो जाए और दुख में दुखी ना हो जाए, ये हमें कर्म का कौशल हमें सीखना चाहिए। चलिए अभी थोड़ा सा है पर अब मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको योग कराऊंगा क्योंकि योग जो है वो कर्म का कौशल मतलब हमारी आत्मा का कौशल है। और जितना आप योग में आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका मन कंट्रोल में आता जाएगा, आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ आपके अंदर कंट्रोल में आ जाएगा। और इसके लिए जो है हमें बार बार हैबिट उसको योग को करना है, क्योंकि योग से ही आपके कर्म विनाश हो सकते हैं, क्योंकि योग से ही
आपकी आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको योग कराऊंगा, ठीक है। अभी आप शांति से अपने किताबें बंद करके आंखें बंद कर दीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे अपने आप को शांत करें, धीरे धीरे अपने विचारों को शून्यता की ओर ले जाएं, धीरे धीरे शांति परम शांति की ओर जाएं, धीरे धीरे शून्यता की ओर अपने विचार ले जाएं। अगर आपके विचार बंद नहीं हो रहे हैं तो उल्टी गिनती शुरू करें, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, रिलैक्स। धीरे धीरे आपके विचार शून्यता की ओर पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे आप परम शांति की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे शून्य आपके विचार शून्य हो रहे हैं, धीरे धीरे आप रिलैक्स हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को शांत कर दीजिए, धीरे धीरे आप अपने ध्यान को अपनी आत्मा पे लगाएं, धीरे धीरे अपने आत्मा का, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करें, धीरे धीरे अपने अंदर दिव्य शक्तियों को याद करें, धीरे धीरे अपनी आत्म स्वरूप को धारण करें, धीरे धीरे आपके आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में आपका ध्यान हट चुका है, आपका ध्यान सिर्फ आपकी आत्मा के ऊपर है, आपका ध्यान आपके आत्मा के ऊपर है, आपका पूरा ध्यान आपकी आत्मा के ऊपर है और आपकी आत्मा एकदम प्योर डायमंड की तरह चमक रही है, आपकी आत्मा एकदम प्रकाशमान है, आपकी आत्मा एकदम शक्तिशाली है, आपकी आत्मा के अंदर प्योर लाइट वाइट लाइट दिखाई दे रही है, आपका धीरे धीरे पूरा शरीर वाइट लाइट से भर चुका है, धीरे धीरे अपनी आत्मा को अपने पावर को याद करें, धीरे धीरे अपने विकारों को अपने विचारों को आपके नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करें, धीरे धीरे अपनी आत्मा के अंदर अपनी रोशनी को प्रकाशित करें, धीरे धीरे आपकी आत्मा प्रकाशित हो रही है, धीरे धीरे आपका ज्ञान आपके अज्ञान को ढक रहा है, धीरे धीरे आपकी आत्मा डायमंड की तरह चमकने लग गई है, धीरे धीरे आपकी आत्मा परम लाइट का अनुभव कर रही है, आपका शरीर शांत हो चुका है, आपकी आत्मा प्रकाशित हो चुकी है, आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है, आपके अंदर परम 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 शांति आ रही है, धीरे धीरे हम शिवत्व की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे हम परम शांति की ओर जा रहे हैं, हमारी आत्मा में से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे हम पूरे वाइट लाइट बॉडी में आ चुके हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर के चारों ओर एक वाइट लाइट का गोला आ चुका है, धीरे धीरे हमारा वाइट लाइट का गोला पूरा वाइट लाइट से भर चुका है, धीरे धीरे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, धीरे धीरे हमारी आत्मा जागृत हो गई है, धीरे धीरे हमारे शरीर के हर सेल स्वस्थ हो चुके हैं, धीरे धीरे हमारी आत्मा प्रकाशित हो गई है,
धीरे धीरे हमारे अंदर परम 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 शांति आ रही है। अब हम धीरे धीरे इस पृथ्वी लोक से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को क्रॉस करते करते बेहद के परम 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 धाम तक अपने बुद्धि को लेके जाएंगे। धीरे धीरे आपके अंदर प्रकाश लाइट परम शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। अब हम अब उसी विचारों से हम धीरे धीरे इस आश्रम से ऊपर, इस पृथ्वी लोक से भी ऊपर, हम इस ब्रह्मांड से भी ऊपर, इस गैलेक्सी से भी ऊपर, अनंत कोटि गैलेक्सी से भी ऊपर धीरे धीरे हम परम धाम की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पे परम धाम में बेहद का प्रकाश, बेहद का परम 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 प्रकाश है जो कि वाइट कलर का प्योर वाइट है। वहाँ पे बेहद के परम 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 महाशिव है, बेहद के परम 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 महाशिव है जिसके अंदर से परम परम प्रकाश पूरे यूनिवर्स तक जा रहा है। हम धीरे धीरे हम परम धाम में जा चुके हैं। धीरे धीरे हम उनके सामने पहुंच चुके हैं। वहाँ बेहद के बाप है, बेहद की माँ है, परम 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 लाइट में सब है। हम पूरा ग्रुप परम धाम में सबके साथ परम लाइट में पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे बेहद के परम परम पिता से, बेहद के परम परम ब्रह्म से, बेहद के परम परम पिता से, बेहद की परम परम लाइट, बेहद की परम परम शक्तियाँ, परम तत्व धीरे धीरे हमारे कारण शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे। धीरे 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 हमारे अंदर परम 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 शक्तियाँ हम पृथ्वी पे हमारे शरीर में ट्रांसफर करेंगे। धीरे धीरे बेहद के परम परम धाम से जो शक्तियाँ मिल रही है वो धीरे 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 हम इस धरती लोक में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को क्रॉस करते 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 इस धरती लोक में, इस पृथ्वी लोक में, इस आश्रम में हमारे शरीर के अंदर, हमारे गोले के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर वो शक्तियों को हम ट्रांसफर करेंगे और धीरे धीरे वो शक्तियाँ हमारे अंदर हमारी आत्मा को जागृत करती जा रही है। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर बेहद की परम 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 शक्तियाँ आ रही है। उसी पावर से धीरे धीरे हमारे शरीर के, हमारी आत्मा के, हमारे स्थूल शरीर, हमारे कारण शरीर, हमारे सूक्ष्म शरीर, सब शरीरों में से नेगेटिव एनर्जी निकल चुकी है। धीरे धीरे हमारे अंदर परम प्रकाश प्रवेश कर चुका है। हमारा शरीर धीरे धीरे पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो रहा है। हमारे अंदर परम 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 शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। हम दिव्य आत्माएँ बन चुकी हैं। हमारे अंदर वही परम पावर आ चुका है जिस पावर से हम पूरी दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं। वो पावर हमारे शरीर को स्वस्थ कर रहा है। हमारे शरीर के हर ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। हमारे 100 ट्रिलियन सेल्स जागृत हो चुके हैं। हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर रोग मुक्त हो चुका है। हमारे पिछले जन्मों के जो भी कर्म थे वो खत्म हो रहे हैं। हम धीरे 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 हम जागरूक हो रहे हैं। हमारी आत्मा तेजस्वी बन चुकी है। हम परम प्रकाश को अपने अंदर सूर्य की भांति प्रकाशित कर रहे हैं। हमारी आत्मा खूब जागरूक हो चुकी है। अब हमारे विचार बेहद के परम 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 धाम से वो पावर ला रहे हैं और वापिस हम उसी पावर से पूरी दुनिया के अंदर, पृथ्वी के गोले के ऊपर वाइब्रेशन डाल रहे हैं और इससे पूरी दुनिया को परम 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 शांति के वाइब्रेशंस पहुंचाएंगे। इसी प्रकार पूरी दुनिया के अंदर परम धाम के अंदर से जो पावर आ रही है वो पृथ्वी लोक में और धीरे 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 पूरे सूर्यमंडल में, धीरे 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 पूरे यूनिवर्स में, पूरे विजिबल यूनिवर्स में बेहद की पावर पूरे यूनिवर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यही हमारे कर्म बचे हुए हैं